अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। जैसे कि आपको पता है कि इस ग्रुप में वी ईट हेल्थी एंड वी लूज वेट, बट वी डू ऑल दिस थ्रू पोर्शन कंट्रोल। वी हैव फूड, हम हर फूड ग्रुप से खाते हैं, हम डिफरेंट फूड ग्रुप से खाते हैं, लेकिन हम फिर भी वेट लूज करते हैं। ये इस ग्रुप की, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस ग्रुप, ये इस ग्रुप का जिस्ट है। ये इस ग्रुप की, जिस ग्रुप में हम जो बात करते हैं वो हेल्थी ईटिंग की बात करते हैं, और हम हर ग्रुप से खाते हैं और हम फिर भी वेट लूज करते हैं। और आपको मैं हमेशा ये 5 फूड ग्रुप्स दिखाती हूँ, और आपको मैं कहती हूँ कि आप इन फूड ग्रुप से खाएं। आपको मैं कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से खाएं, आपको मैं कहती हूँ कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाएं, आपको मैं कहती हूँ प्रोटीन से खाएं, आपको मैं कहती हूँ डेयरी से खाएं और फैट से खाएं। मैं हर वक्त हम इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं। जो कि न्यू मेंबर्स हैं, जिनको नहीं पता, वो जाके पिन पोस्ट देखें और फाइल्स में देखें कि ये डाइट हम कैसे करते हैं, ठीक है। रही बात आ जाती है, जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल, वो अक्सर वो लोग कहते हैं कि हम ये फॉलो नहीं कर सकते। जो लोग ये पोस्ट पढ़ते हैं, जो लोग देखते हो, कहते हैं हम ये फॉलो नहीं कर सकते। हम ये फॉलो नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करना, इसलिए क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। तो मैं इस बात पर आज डिस्कशन करना चाहती हूँ। बात ये है कि दिस इज, यही तो इस पोर्शन कंट्रोल की खासियत है, यही तो पोर्शन कंट्रोल की खूबसूरती है, और यही पोर्शन कंट्रोल की ब्यूटी है। कि आप बेशक अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपको अपने लिए स्पेशली कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। घर में जो पक रहा है आप वो ही खाएं और आप अपना वेट लूज करें। ये मैं उसको इस तरह से ऐसे बताऊंगी कि रोटी चावल तो आपकी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होती होगी ना, बगैर रोटी के तो लोग नहीं रहते ना। तो आप अपना रोटी और चावल पोर्शन में खाएं, सिंपल एज दैट। अच्छा, फल है घर में, फल को पोर्शन में खाएं, फल घर में नहीं है सब्जियां खाएं, ठीक है। तो इसका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। रही बात, एक बात पे मैं अग्री करती हूं कि वो कहते हैं कि हम अपने ऑयल का इंटेक, फैट का इंटेक नहीं कम कर सकते, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ कुकिंग करती है, या हमारी सिस्टर इन लॉ कुकिंग करती है, या अगर आप खुद भी कुकिंग करते हैं तो सबकी डिमांड होती है कि वो तेलम तेल वाला खाना हो, और उस पे तेल, बोटियां तेल में भीगी हुई हो। लेकिन ये कि ऑयल का इश्यू है, उसके बारे में मत परेशान हो। अगर आपके आपके सालन में ऑयल है भी, आपकी मदर इन लॉ ने सालन बनाया उसमें ऑयल है भी, तो आप उसको थोड़ा सा जैसे ऐसे हिलाते हो, नीचे से बेस से लोग लेते हैं, वो करें, ठीक है। और अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल करेंगे, अगर प्लेट में क्वार्टर ऑफ द प्लेट में आपका सालन होगा, तो आप कितना ही तेल खा लेंगे, कितना ही ऑयल खा लेंगे। तो ऑयल का परेशान मत हो, तली हुई चीजें मत खाएं ना। आपको कोई फैमिली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कोई फोर्स तो नहीं करेगा कि तुमने पकौड़े क्यों नहीं खाए। अगर कोई फोर्स कर भी रहा है तो 2 पकौड़े खा ले बस। यही तो पोर्शन कंट्रोल की ब्यूटी है कि आप 2-3 पकौड़े खा ले, बेशक तले हुए होंगे, आप 2-3 खा लें बस, ताकि लोग भी खफा नहीं हुए कि देखो इसने खाया भी है, और आप पोर्शन कंट्रोल में करेंगे। तो पोर्शन कंट्रोल को टेंशन मत बनाए, बस जो भी आप खा रहे हैं उसको पोर्शन में खाएं, और तेल के बारे में वरी मत करें। बस कम खाएंगे तो कितना ही तेल खा लेंगे, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का मसला मैंने हल कर दिया। तो आप प्लीज, अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, यू कैन स्टिल लूज वेट। आप इसको ढाल मत बनाए कि मैं नहीं वेट लूज कर सकती क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हूं, ठीक है। सेकंड बात आ गई, वो क्या है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते पोर्शन कंट्रोल, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और आप इसमें जो इतने फूड ग्रुप्स बताती हैं कि इस वक्त ये खाओ, हम ये नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं ये एग्री करती हूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और हर कोई हर वक्त फल और ये मुख्तलिफ किस्म के की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर वही बात करूँ कि पोर्शन कंट्रोल की तो खूबसूरती यही है। मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं दे रही, मैंने आपको कोई लिस्ट ऑफ फूड्स नहीं दे के बाजार जाओ और ये खरीदो फिर ही तुम्हारा वेट लूज होगा। मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा। घर में जो बना है उसी में पोर्शन कंट्रोल करो, उसी में हेल्थी ईटिंग करो, तो यू विल बी फाइन और यू विल लूज वेट। जैसे, अच्छा अब मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूंगी। ये
फूड फूड प्लेट को लेके, ठीक है, ताकि आपको एक ही मैं बता सकूं कि आप उसको अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं. जिस तरह से और डाइट ग्रुप्स में या जिस तरह से प्लान्स होते हैं वो आपको एक टाइम टेबल देते, लिस्ट देते कि इस वक्त ये खाओ उस वक्त ये खाओ. मैंने देखे वो कहती मैं कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैंने ये चीजें लेनी, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिल्कुल इसको अपनी जिंदगी का स्ट्रेस मत बनाए, ठीक है. अब जैसे ये फूड प्लेट है, ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स खाएं. तो मैंने आपको एक दफा भी नहीं कहा कि आप जाके ओट्स खरीदें, पॉरेज खरीदें या फिर जाके सीरियल के डब्बे खरीदें. आप नहीं अफोर्ड कर सकते ओट्स, आप नहीं अफोर्ड कर सकते सीरियल, मत करें. आप रोटी खाएं, आप चावल खाएं, बस आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाने ना. और अब आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीजें हैं. चावल है, रोटी है, पोटैटोज है, सीरियल है और ब्रेड है, ये सब चीजें हैं. तो आप जो जो अगर आप रोटी खा सकते हैं, आप रोटी अफोर्ड कर सकते हैं, आटा तो घर में आता ही है ना, तो आप रोटी रोटी को अपने पोर्शन कंट्रोल में खाएं. इवन हमारी जो मॉडरेटर है बिनते इस्लाम, उसने उसने एल्बम्स में हेल्थी पराठास की भी पिक्चर्स लगाई हैं. तो आप पराठा भी खा सकते हैं पोर्शन कंट्रोल में एंड यू विल स्टिल लूज वेट. तो यू इट्स ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोल. आपको मैं एक दफा भी नहीं कहूंगी जाके महंगे महंगे सीरियल्स खरीदें, ठीक है. घर में जो ही रोटी चावल ब्रेड पड़ी है बस वो ही खा के अपना गुजारा चलाए और आपको आपको एनर्जी मिलेगी, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. फिर मैं बार बार कहती हूँ कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाएं. मैं मानती हूँ कि ऐसे होता है कि लोग कभी बार हफ्ते में एक दफा फ्रूट लाते हैं और फिर जब वो फ्रूट खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा फ्रूट नहीं आता. और या फिर ऐसे भी होता है कि फ्रूट कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता. मैं अग्री करती हूँ कि बहुत ज्यादा महंगाई का जमाना है, यू कैन नॉट अफोर्ड फ्रूट एवरी डे. अगर आप फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते कोई जरूरत नहीं है फ्रूट खाने की, आप सब्जी खाएं, ठीक है. सब्जी खाएं, सब्जी में भी वही मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. सो वेजिटेबल्स खाएं, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बस ज्यादा करें. जब जिस वक्त मैंने आपको कहती ना कि 2-3 फ्रूट्स खाएं, आप दो 2-3 वो खा लें, वेजिटेबल्स खा लें, गाजर खा लें, एक खीरा खा लें. तो इसको अपने अपनी जिंदगी का स्ट्रेस मत बनाएं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है ना. कई बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं मतलब आप अपने अपने आप को देखेंगे ना. अच्छा, फिर जो मैं कहती हूँ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में मैं कहती हूँ कि वो खाएं, क्या कहते हैं, चिकन, लैम्ब, फिश, दालें हो गई, ठीक है, और अंडे हो गए, ये प्रोटीन में आ गया. तो आप रोजाना आपको मुर्गी मुसल्लम खाने की जरूरत नहीं है. आप मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मत खरीदें मुर्गी. आप फिश अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मत खरीदें फिश, मत लें. आप अपनी प्रोटीन दालों से पूरा करें, आप दाल खाएं, अंडे खरीदें. अंडे भी महंगे तो बस ठीक है, अगर अंडे भी नहीं अफोर्ड कर सकते, चिकन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. आप अपना प्रोटीन दालों से कंप्लीट करें, मुख्तलिफ किस्म की दालें आप उसमें भी मजे मजे की रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. मैं खुद कभी कभी जाती हूँ, मुझे हर दफा एक नई दाल नजर आ जाती है. मैं कहती हूँ अच्छा मैं तो ये कभी खाई नहीं. तो आप ऐसे करें, डिफरेंट किस्म की दालें लें, लेंटल्स लें, पल्सेस लें, उसको अपने डाइट में इंक्लूड करें, ठीक है. तो आप अपने पोर्शंस, आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, आप फ्रूट एंड वेज की कैटेगरी से भी ले रहे हैं, आप प्रोटीन की कैटेगरी से भी ले रहे हैं, लेकिन आप अपने बजट में खा रहे हैं, ठीक है ना. और आप हेल्थी भी खा रहे हैं क्योंकि आपको सब न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और आप वेट भी लूज कर रहे हैं. सब एक तीर से तीन शिकार. अच्छा, अब क्या है, हाँ, डेयरी. अच्छा, डेयरी का क्या है, डेयरी का आपको एक दफा भी मैंने नहीं कहा कि जाके डब्बे पैकेटेड योगर्ट के दही के डब्बे खरीदें. कोई जरूरत नहीं है पैकेटेड डब्बे खरीदने की, कोई जरूरत नहीं है पैकेटेड दूध खरीदने की. आप अपना डेयरी लें, आप ताज़ा दूध लें और ताज़ा दूध को 2-3 उबाल दें, उसके ऊपर से वो जो उसकी जो मलाई होती है वो निकालें, तो आपका स्किम्ड मिल्क बन गया. उसी उसी दूध से आपने लिए दही बनाए, घर में दही बनाए. कोई जरूरत नहीं है बाजार से डब्बे खरीदने की. आप अपने बजट में दूध भी पिए और दही भी खाएं और घर जो जो दूध वाला लाता है वो बस वो दूध इस्तेमाल करें, ठीक है. फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि आप नट्स खाएं. फैट्स की बात आती है, मैं कहती हूँ नट्स खाएं ये, और नट्स में सब कुछ आता है, ठीक है, हर किस्म के नट्स आते हैं. और मैं मानती हूँ कि नट्स बहुत ज्यादा महंगे, तो अगर आप नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते मत खाएं, कुछ भी नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप डेयरी ले रहे हैं, आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, अगर आपने नट्स नहीं भी खाए तो कुछ नहीं होता. लेकिन नट्स में मूंगफली भी आती है, ठीक है ना.
नट्स में मूंगफली भी आती है और मैं मूंगफली इज द चीपेस्ट नट अवेलेबल. और मैं अभी जब दिसंबर में पाकिस्तान गई थी तो मैं अपने साथ 3 किलो मूंगफली लेकर आई थी, वो अभी तक मेरे पास पड़े हैं. तो अगर आप 1 किलो की मूंगफली लेते हैं, मुझे प्राइस याद नहीं है लेकिन इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. मैं 1 किलो की मूंगफली ली और अगर मैं अकॉर्डिंग टू पोर्शन कंट्रोल, इफ यू आर हैविंग 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट्स, आपका 1 किलो मेरा ख्याल है एक साल चलेगा. एक साल तो नहीं लेकिन कुछ महीने चलेगा. तो आप अगर 1 टेबल स्पून नट्स खा रहे मूंगफली के, इतने से बनते हैं, इतने से आपका 1 किलो बहुत ज्यादा अरसे चलेगा. तो आप अगर अपने उसमें, मैंने किसी ने नहीं कहा कि आप बादाम और वॉलनट्स और ब्राजील नट्स खाएं, आप पीनट्स खाएं. और अगर आप पीनट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कितने के, 200 रुपए का किलो है. अच्छा चलो 200 रुपए, मुझे भूल गया, मैं 3 पैकेट लाई, 3 किलो लाई थी मैं, 200 रुपए का है. तो बस ठीक है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन मूंगफलियों को खाएं. और अगर फिर भी आप 200 रुपए नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकता कोई, नहीं भी कर सकता, तो बस ठीक है आप मत खाएं. तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसको ढाल मत बनाएं अपनी अफोर्डेबिलिटी को और अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को. और जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी डिटर्मिंड एंड मेक एन एम कि मैंने ये वेट लूज करना है और मैंने हेल्थी रहना है और मैंने इन फूड ग्रुप से खाना खाना है और अपने अपनी औकात में रह के खाना है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताएं. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, सी यू सून.